हेलो एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और ये बच्चों को मिली थी राखी फेस्टिवल की हॉलीडे। तो हमारा डिसाइड हुआ था कि हम आज मम्मी के पास जाएं। पहले तो कन्फ्यूजन था कि बाहर घूमें या फिर मम्मी के पास जाएं, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम आज मम्मी के पास जाएंगे। तो चलिए आपको भी साथ में लेकर चलते हैं और मम्मी के पास निकलने की फटाफट तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग तो रेडी हो गए हैं, अभी मेरा थोड़ा सा लास्ट का काम है और अब फिर हम निकलते हैं। चलिए फाइनली हम लोग मम्मी के घर पहुँच गए, ऑलमोस्ट करीब में हैं। और आपको ये रोलर कोस्टर की सवारी भी कराते चलेंगे साथ में। ये रोड एक कुछ रोलर कोस्टर से कम नहीं है। ये कॉलोनी शायद जब तक कंप्लीट नहीं होगी ये रोड का काम भी नहीं होगा। बाहर ऑलमोस्ट हो गया है, अभी अंदर अंदर चल रहा है काम। तो खैर जब तक काम चलेगा हम रोलर कोस्टर में ऐसे ही जब भी आएंगे तो बैठ कर जाएंगे। ऊपर चलते हैं और फिर मम्मी को सरप्राइज़ करते हैं, मम्मी और घर वाले सबको। शायद किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं आऊँगी आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थर्सडे हॉलीडे मिली, किसी को वेंसडे एक दिन पहले मिल गई है, तो ये लोग को आज मिली, तो फिर इसीलिए हम आ जाए। तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं है हम आएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं और इनका फिर रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। हाँ मेरा सब पता है आपको। हाय करो। हाय 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 एवरीवन। हेलो हाउ आर यू। आई एम फाइन थैंक यू। वेरी गुड माशाल्लाह। आओ मैडम क्या कर रहे हैं। मुझे नीचे। अच्छा चलो नीचे आ जाओ, बस स्विचेस के पास नहीं जाना। और जनाब अपन क्या कर रहे हैं। रोटी खा रहे हैं। कौन बनाया रोटी। खाने पे भी नीचे आ जाओ। हजीरा अभी भी आप सीधा बैठो। हाँ और ये हो गया है हमारा लंच का टाइम। और ये लंच में है पालक, राइस, रोटी, मीठी दाल प्लस तलावा गोश एंड तुराई। और ये लंच हो गया है एज यूजुअल। हमारी चाय आ गई है और हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं, चाची, बड़े मम्मी एंड ऑल। और शायद से आज डिनर में बड़े मम्मी पकाने वाले हैं और आप जो भी पकाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मौसम भाई अंडा तल रहे हैं क्या। कौन सा अंडा तल रहा है। बच्चे भी अंडे की वीडियो दिखा दो तुम। बच्चा अंडा तल रहा है। रागी बना लेता ये मौज़म है। और ये मेरा कज़न है। तो एज़ यूजुअल हमारी मस्ती चलते रहती है जब भी हम लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर आज मौज़म किचन में अंडा तलने की तैयारी हो रही है और फिर वैसे ही हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। यही है बस। और यहाँ पर बच्चे देखिए अपना साइकिल चला रहे हैं, मस्त इन्जॉय कर रहे हैं। उमर को ख़ास तौर पर यहाँ पर बहुत पसंद आता क्योंकि साइकिल चलाना करना यहाँ पर अच्छा मिल जाता। हमारे पास तो नीचे खैर छोड़ते नहीं बच्चों को ज़्यादा, तो फिर हमें डायरेक्ट उन्हें पार्क ही ले जाना पड़ता। तो चलिए लोग एंजॉय करने देते हैं और हम अंदर चलते हैं। हेलो आए करो शैतान चलो। और यहाँ हो गई है शाम और ये शाम की चाय सर्व हो रही है। और यहाँ जब भी मैं आती हूँ तो लाजिम हो जाता है कि हम बाहर की चाय ही पिए एक टाइम। तो मंगा लिया अब हम लोग चाय यहाँ पर। और ये कर रहे हैं चाय मेरे भाभी सर्व सबको। और यहाँ पर सर्व करते करते हम सता रहे थे बड़े मम्मी क्योंकि उनको थोड़ी ही देंगे चाय और हम ज़्यादा पियेंगे। तो खैर ऐसा होता नहीं है, सबको बराबर ही मिलती है। और फिर ये अब हम चाय सर्व करेंगे और फिर चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। शाम का वक्त हो गया है और अब ये डिनर की तैयारी हो रही है। और आज डिनर में बन रही है तहारी बाय बड़े मम्मी।
तो बड़े मम्मी बहुत अच्छी बनाते तहारी, तो आज हम सब बैठ गए थे कि आज आप बनाएं तहारी। तो वही यहाँ पर शुरू हो रही है तैयारी तहारी बनाने की, हैदराबादी गोश्त वाली तहारी। तो अब ये लोग ऑयल ऐड कर दिए है, अब प्याज ऐड करी है, पता नहीं कितनी क्वांटिटी है ये, आई थिंक 7 to 8 मीडियम साइज़ की प्याज है। ये लोग स्लाइस कर लिए इसको और अब ये फ्राई हो रही है। फ्राई होने के बाद नेक्स्ट ये लोग का क्या स्टेप होगा, ये है अदरक लहसुन फ्रेश पिसा हुआ है 3 to 5 स्पून्स, वो भी टेबल स्पून, बड़े बड़े हिप वाले स्पून से लोग डाले हैं और ये डाल के फ्राई कर रहे हैं। और अब जैसे ही अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया, और अब यहाँ पर पड़ी है हल्दी, वो भी एक बड़े चम्मच से हल्दी हो गई है। और अब ये नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो ये ज़्यादा है, बड़े 3 चम्मच डाले यहाँ पे मम्मी। और फिर उसके बाद ये जा रहा है हरा मसाला, एज़ यूजुअल कोतमे पुदीने के बगैर तो तहारी हो या बिरयानी या फिर हैदराबाद की ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ बगैर कोतमे पुदीने के नहीं बनती, वो भी भर भर के डाला जाता है यहाँ पर। और यह हरा मसाला तलने के बाद अब यहाँ पर 5 to 10 हरी मिर्ची ऐड कर दिए है लोग, और फिर नेक्स्ट उसके बाद इसको भी थोड़ी देर तला जाएगा, देन लाल मिर्ची 3 to 5 टेबल स्पून हिप वाले, आप सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो उस हिसाब से लोग मसाले ऐड कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करिए। और अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलो टमाटे बिल्कुल बारीक स्लाइस किए हुए ऐड कर रहे हैं ताकि वह जल्दी गल जाए, और फिर उसके ऊपर से 2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया हुआ है। और अब इसको अच्छे से भूनेंगे, भूनने के बाद गोश्त ऐड करेंगे और फिर ये गोश्त को इतना ज़्यादा भूनेंगे कि फिर टमाटर इसी में गल जाए। और यहाँ भूनेंगे भूनेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर थाली लगाकर इसको लिड लगाकर क्लोज़ कर देंगे ताकि वो टमाटे बिल्कुल ही जल्दी फ्यू मिनट्स में एकदम भुने जाए, क्योंकि बहुत बारीक काटना है हमें टमाटे, मोटे काटने पर फिर वो गलते नहीं है जल्दी। तो यहाँ पर लोग बिल्कुल स्लाइस किए हुए हैं और ये भून लिया है, अब लिड लगाकर इसको कवर करके लोग रख देंगे। 10 to 12 मिनट्स लिड लगाकर रख दिया गया था इसे लो फ्लेम पर, लो फ्लेम मतलब ये बड़ी हांडी है तो फिर बड़ा चूल्हा होगा ऑब्वियसली, तो उस हिसाब से ये लो फ्लेम पर रख दिए गए थे लोग्स को। और अब ये 10 to 12 मिनट्स हो गए हैं और ये भून रहे हैं, आप देख सकते हैं टमाटे गल गए हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, बस उसके थोड़े थोड़े पील्स दिख रहे हैं। और ये जैसे ही टमाटे गल गए तेल छूटना स्टार्ट हो गया है, उसको भूनेंगे। और फिर यहाँ पर दही ऐड कर रहे हैं लोग, दही तकरीबन 1 से 1.5 किलो है यहाँ पे, अब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए। और फिर इसको अगेन 5 to 7 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर ये लोग भून रहे हैं। भूनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आगे देखेंगे। दही को इतनी देर भूनने के बाद अगेन 5 मिनट्स के लिए दही को लो फ्लेम पर लिड लगाकर ये लोग रख देंगे ताकि वो दही भी भुना जाए और फिर गोश्त भी अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर नमक चेक करके लोग नमक थोड़ा ऐड कर रहे हैं। और अब ये 5 to 10 मिनट्स के बाद ये लोग फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम। और यहाँ हो रही है चावल की तैयारी, ये चावल वॉश हो गए हैं और अब नेक्स्ट स्टेप इसमें पानी ऐड करेंगे और एज़ यूजुअल चावल ही ऐड होगा शायद। और ये देखिए 5 to 7 मिनट्स के बाद गोश्त चेक हो गया है, गोश्त ऑलमोस्ट 80% गल गया है और बाकी दम में हो ही जाएगा। और अब यहाँ पर पानी ये लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐड करके फिर इसमें मेथी डालेंगे, 5 मिनट्स अगेन पकाएंगे और फिर इसमें पानी और ऐड करके फिर राइस ऐड करेंगे। ये पानी और ऐड हो गया है, पानी बॉयल हो रहा है और अब इसमें राइस ऐड करके इसको फिर मिक्स करेंगे। जब भी बड़ा पकवान होता है तो टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वैसे छोटे में भी रखना पड़ता है पर बड़े पकवान की बात ही और होती है, ज़्यादा लोग का ख्याल करना पड़ता है तो फिर वो टेस्ट के हिसाब से, सबका टेस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो फीका है, नमक है या मिर्च है ज़्यादा, तो वही यहाँ पर बार बार चेक कर रहे थे मम्मी। और ये खाना दम ये लोग 10 मिनट्स के लिए रख दिए थे कवर करके, और फिर ये 10 मिनट्स के बाद ये चेक हो रहा है कि कितना पानी रह गया है और नहीं। और अब इसमें नींबू ऐड करेंगे लोग, 3 से 4 नींबू का रस ऐड कर रहे हैं और मिक्स करके फिर अगेन इसको कवर करके आराम से दम पे रख देंगे शायद 15 मिनट्स 20 मिनट्स या हार्डली 25 मिनट्स,
और दम पे रखने से पहले ये ख्याल करेंगे कि हम नीचे इसके दम पे पुराना तवा कोई लगाएंगे, वरना फिर वो दाग लग जाता है। बड़ा पकवान है तो ऑब्वियसली दाग का डर भी ज़्यादा रहेगा, चूल्हे का फ्लेम हाई रहता है यहाँ पर, तो फिर वो एनी हाउ दाग लगने के चांसेस ज़्यादा है, तो फिर हम यहाँ पे तवा लगाएंगे ही। और वो काम हो गया है, किचन में काम दम पे लग गया है खाना। और यहाँ पर देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है, और ये खदीजा हसन यहाँ पर दोनों अपना एक किंग का समथिंग ऐसा बना कर बैठ गए हैं, चेयर किंग एंड क्वीन है हम बोल के, तो वही लोगों के बातें चल रहे, तो मैं सुनते बैठ गई और सोची कि रिकॉर्ड कर लेंगे, तो फिर ये रिकॉर्ड हो गया। और ये आप देख सकते हैं हमारी हैदराबादी गोश्त की तहारी बनके तैयार है, देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है कलर के हिसाब से। और अब हम खा के बताते हैं। यहाँ पर बिछ गया है बड़ा सा दस्तरखान, और अब हम बैठ गए हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में खाना खाने के लिए सब साथ में। और ये बड़े दस्तरखान की बात ही कुछ और रहती है, खाने में भी मज़ा आता है और थोड़ा ज़्यादा भी खाया जाता है, ख़ासतौर पर मेरे बच्चे तो बहुत इन्जॉय करते हैं। खाना वगैरह हो गया है हमारा एंड तहारी बहुत ही टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी माशाल्लाह। तो खाते वक्त ही हम लोग ने बुकिंग किए थे, तो बहुत जल्दी आ गए ऑटो वाले बेचारे। तो चलिए चलते हैं, आज हस्बैंड को आने में टाइम है, तो फिर अब हम अपना सेल्फी जाएंगे, वरना वेट करेंगे तो फिर मॉर्निंग स्कूल क्लास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बातें करते करते हम ऑलमोस्ट घर के करीब आ गए हैं। तो ये था मम्मी के घर का व्लॉग, कैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगेन वन मोर थिंग इज़ दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।